उसका और तो चेतेश्वर पुजारा ने दिलीप ट्रॉफी के दौरान 9 रन बनाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है। आपके बताएं कि भारत की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली की सूची में वह 5वें स्थान पर आ गए हैं और उन्होंने वसीम जाफर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाफर ने 207 मैचों में 19,410 रन बनाए थे जिसमें 57 शतक भी दर्ज थे। अब चेतेश्वर पुजारा की अगर बात की जाए तो 254 मैचों में 19,414 रन वह बना चुके हैं। उनकी जो सर्वश्रेष्ठ पारी है 352 रन की है, इसके अलावा उनकी औसत 52 है और उनके शतकों की संख्या 60 है। अगर ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए तो प्रथम श्रेणी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो सुनील गावस्कर के नाम पर है, जिन्होंने 348 मैचों में 25,834 रन बनाए थे। अगर उनके सर्वश्रेष्ठ पारी की बात की जाए तो वो 340 रन है, उनकी औसत 51 के आसपास है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने 81 शतक भी लगाए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने 310 मैचों में 25,396 रन बनाए हैं। उनकी जो सर्वश्रेष्ठ पारी है वो 248 नाबाद है, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी। इसके बाद 57 की उनकी औसत है। इसके साथ ही प्रथम श्रेणी और टेस्ट को मिलाकर उनके जो शतक है वो 81 है। इसके बाद राहुल द्रविड़ हैं, जिन्होंने 298 मैचों में 23,794 रन बनाए थे जिसमें 68 शतक भी दर्ज हैं। इसके बाद लक्ष्मण का नाम है, लक्ष्मण ने 267 मैचों में 19,730 रन बनाए हैं जिसमें 55 शतक भी जमा हैं। तो फिलहाल आप ऐसे ही फैक्ट के लिए बने रहिए लगातार पंजाब केसरी स्पोर्ट के साथ। नमस्कार।